साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है, वहां मालगाड़ियों की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने की तरफ आप ये जो विशाल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये है दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का फेज 4। इस वीडियो में हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फेज 4 को विस्तार से कवर करते हुए उत्तर प्रदेश में और मेरठ डिवीज़न में हो रहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चल करके कवर करते हैं NH-58 के ऊपर हो रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण कार्य को विस्तार से। और अभी आप जो देख रहे हैं, ये है भारत की प्रथम रीजनल रेल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का निर्माण कार्य, और इसी के साथ साथ मेरठ मेट्रो का भी निर्माण किया जा रहा है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं मेरठ मेट्रो का परतापुर स्टेशन का निर्माण कार्य, जो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ से शुरू होता है हमारा देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो हाल ही में यात्रियों के लिए खोला गया। 8,500 करोड़ की लागत से हमारा नवनिर्मित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अप्रैल में यात्रियों के लिए खोला गया। और साथ ही में आप देख सकते हैं रैपिड रेल के पिलर्स, जो कि 32,000 करोड़ की लागत से बन रही है। सामने की तरफ हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर NH-58 के ऊपर से गुजरता हुआ और इसका एक विशाल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कभी कभी तो लगता है कि इतने सालों से जो मेरठ की उपेक्षा केंद्र सरकार ने करी है, उसका शायद वो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक साथ लाकर एक बार में पश्चाताप करना चाहती है। पर खैर, देखने वाली बात यह है कि कब तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं, और काफ़ी तेज़ी से इनका काम निरंतर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का फेज 4, जो कि सहारनपुर के पिलखनी से लेकर हमारा उत्तर प्रदेश में खुर्जा तक जाएगा। ये देखिए एक विशाल का स्ट्रक्चर जो NH-58 के ऊपर हाल ही में रखा गया, और हमारा रैपिड रेल का निर्माण कार्य जो NH-58 के ऊपर चल रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि नीचे से NH-58 जाएगा, बीच में से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और उसके ऊपर से जाएगी हमारी रैपिड रेल। तो रैपिड रेल के पिलर्स कितनी ऊंचाई पर यहाँ पर बनाने होंगे ताकि वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर से गुजर सके। हमारा जो ये पूरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये LNT के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, एटलीस्ट फेज 4 का। और इसकी जो संस्था है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL, जिसकी निगरानी में ये पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और उसकी ये ओनर होगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा NH-58 के ऊपर जो बनाया गया, और ये है हमारा दिल्ली मेरठ रेलवे लाइन के ऊपर बनता हुआ एक मार्वलस स्ट्रक्चर, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। लगभग 3,500 किलोमीटर लंबा ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारा होने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे लंबा है। तो आइए इसके साथ साथ अन्य प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमित त्यागी एक बार फिर आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट। और इस समय हैं हम
जो हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, पूरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग एक हिस्सा दो में से, जो कि लुधियाना से चल करके कोलकाता के दानकुनी तक जाएगा, उस पर एक तरीके से चल रहा सारा कंस्ट्रक्शन वर्क। इस समय हम मेरठ में हैं, मेरठ के आउटर में, और सामने की तरफ आप देख सकते हैं एक ये ब्रिज जो कि NH-58 पर बनाया जा रहा है। पूरी तेज़ी से लगातार काम किया जा रहा है। लगभग मैंने डेढ़ साल पहले के आसपास इसी जगह पे उधर कहीं आगे चल के वीडियो बनाई थी यहाँ पे, और काफ़ी काम तब, मतलब भूमि को समतल किए जाने वाला और वो सब हो रहा था, पर आप देख सकते हैं कि कितना सारा काम ऑलरेडी किया जा चुका है और लगातार निरंतर चले जा रहा है। मैं आगे भी आपको जा कर के दिखाऊँगा। तो स्टील का ब्रिज जो है ऑलरेडी वो रखा जा चुका है उधर पे, और हमारा NH-58 के ऊपर से ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारा गुजरेगा। तो अगर बात करें तो वो वाला जो सेक्शन होगा हमारा, जो ब्रिज बनाया गया, वो काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि NH-58 के ऊपर से उसको गुजारना, जो कि एग्जिस्टिंग हमारी अभी तक की मेरठ से लेके गाज़ियाबाद दिल्ली तक जाने वाली रोड थी, और अब खैर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन चुका है तो उस पर खासा दबाव तो नहीं रहता है, पर उसके ऊपर हमारा रैपिड रेल जाएगी। मतलब आप सोचिए, नीचे से NH-58 है जो रोड, हमारी दिल्ली रोड के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके ऊपर ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसपे सिर्फ माल गाड़ियाँ चला करेंगी, डबल डेकर। आपने कुछ वीडियोस देखी भी होंगी कि लगभग 12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो एल्स्ट्रॉम और जी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, वो उन माल गाड़ियों को खींचेगा, और एक के ऊपर एक कंटेनर्स रखे हुए डबल डेकर ट्रेन हमारी उस पे से गुजरेंगी लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत ही एकदम ब्रांड न्यू ब्रिज हमारा, ये जो दिल्ली मेरठ रेलवे लाइन है इस पर बनता हुआ। ये लगभग स्टील का स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना करके, उसको यहाँ पे जोड़ करके, असेंबल करके हमने ऐसे रख दिया है। काफ़ी तेज़ काम होता है इस तरीके से, अगर हम कंक्रीट को यहाँ पे कास्ट करने की बात करें तो उसके मुकाबले, ऑल दो काफ़ी महंगा तो है ही। तो आप ये देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि आने वाले समय में इकोनॉमी को काफ़ी रफ्तार देगी। तो इसी लिहाज से अगर बात करें तो ये हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। तो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होगा दादरी से, जिसका खुर्जा से एक लिंक बनेगा, और जो है वो हमारा दिल्ली के आउटर नीचे से होता हुआ फरीदाबाद की तरफ से, गुड़गांव के और थोड़ा नीचे से होते हुए हमारा राजस्थान में दाखिल होगा, और फिर उससे आगे मुंबई JNPT तक जाएगा, जो हमारा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू वाला। तो उससे माल जो हमारी अभी मतलब मुख्य शहरों के बीच में जो माल की आवाजाही या लॉजिस्टिक्स है, वो मेनली शिफ्ट हो चुका है रोड ट्रैफिक पे, ट्रकों के माध्यम से हो रहा है, और जो है क्योंकि माल गाड़ियों की लती की स्लोनेस और मतलब SLA भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, मतलब कि कब तक पहुंचेगी, जितना कमिट किया है उस टाइम तक पहुंच भी जाए या नहीं, क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों का ऑलरेडी लोड काफ़ी है मेन रूट्स पे, और उन्हीं पे ज़्यादातर माल की आवश्यकता है फ्रेट मूवमेंट की। तो ये देखिए आप कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन का एक्सट्रीम इंजीनियरिंग, और व्हाटएवर इंडिया इज़ बिल्डिंग, इट्स बिल्डिंग यू नो मेगा दीज डेज। और ये हमारा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। L&T इसका निर्माण कर रही है, और इस समय हैं हम फेज़ 4 पे, जो कि लुधियाना से चल के
हमारा खुर्जा तक है, फेज़ फोर नहीं नहीं लुधियाना से चलकर के सहारनपुर के पिलखनी तक है फेज़ थ्री, और फेज़ फोर है सहारनपुर के पिलखनी से हमारा यूपी में खुर्जा तक। इस पर वैसे पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे हमारा दो सेपरेट डेडिकेटेड लाइंस हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, पर हमारा लुधियाना से लेके खुर्जा तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा वो सिर्फ उस पर सिंगल लाइन बिछाई गई है। तो हमारा लुधियाना से चल करके खुर्जा होते हुए सहारनपुर मुजफ्फरनगर मेरठ के रास्ते और फिर आगे वेस्ट बंगाल में दानकुनी तक जो जाएगा, ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और जैसा कि मैंने आपको बताया दादरी से चलकर हमारा मुंबई तक जाने वाला वो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर थोड़ा बाद में शुरू हुआ उससे, और इसका कंस्ट्रक्शन उसके मुकाबले अभी ज़्यादा पेंडिंग है। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी अगर हम बात करें तो फेज़ फोर आखिरी फेज़ है जिसकी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, जो कि सहारनपुर के पिलखनी से हमारा बुलंदशहर के खुर्जा तक जाएगा। तो ये आप देखिए इस तरफ हमारा एक तरीके से खुर्जा है, आगे अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी और फिर बिहार होते हुए अपना वेस्ट बंगाल, और इस तरफ है हमारा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरियाणा, पंजाब के रास्ते लुधियाना तक। तो फेज़ फोर पे भी आप देख के समझ सकते हैं जब इस पर भी इतना काम हो गया तो ये किस गति से इसका काम चल रहा है। लगभग डेढ़ साल में जितनी रफ्तार मैंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे देखी वो काफ़ी सराहनीय है, और क्योंकि मतलब ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे पहले की रेलवे लाइंस जब बनाई गई तो जहाँ से मन किया वहाँ से निकाल दी गई, पर अभी ये देखिए आप एक ट्रेन गुजरती हुई मेरठ की दिशा से आ रही है और हमारी दिल्ली की दिशा में अग्रसर। तो पहले रेलवे लाइंस बिछाना उतना कठिन नहीं होता था, पर आज के टाइम पे इतने सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बन गए हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकालना, वो भी इतनी लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए, खासी परेशानियां आती हैं, क्योंकि जगह जगह सड़क बन चुकी हैं, रेलवे लाइंस हैं हमारी, और उनके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना पड़ता है। टाइम काफ़ी क्रूशियल है, जितना जल्दी बन पाए उतनी जल्दी ये इकोनॉमी को रफ्तार दे पाएगा, और किस तरह से बेनिफिट करेगा कंट्री को और क्या इसके परिणाम होंगे उनकी बात भी करते हैं। और पहले मैं ये उस तरफ पहुंच जाऊँ, खासी इस चीज़ को कवर करने के लिए काफ़ी थोड़ी सी मतलब कठिनाई हुई मेरे को, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है और मैं इस सीढ़ी से चढ़ करके यहाँ पे आया हूँ। तो लेट मी गो दैट साइड और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ जैसा कि आपने इस वाले स्ट्रक्चर को ऑलरेडी देख चुके हैं कितना विशाल का स्ट्रक्चर यहाँ पे स्टील का बनाया गया ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, और आइए अब कवर करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का NH-58 पे बन रहे स्ट्रक्चर को। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि लगभग सारा हमारा जो फ्रेट मूवमेंट है वो मोस्टली रोड्स पे शिफ्ट हो गया है, लगभग 70-80%, जो कि मतलब इवेंचुअली इतने सालों में मूव हुआ क्योंकि रेल पे इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि ट्रांसफ़र हो पाए माल। तो एक डिटेल्ड स्टडी के दौरान पाया गया कि दिल्ली से मुंबई बहुत सारा फ्रेट का मूवमेंट होता है, और फिर इसी तरह हमारा कोलकाता एक काफ़ी मेन पोर्ट है और नॉर्थ में ऑब्वियसली कोई पोर्ट है नहीं, तो किस कहीं भी अगर एक्सपोर्ट करना हो तो पोर्ट के माध्यम से ही किया जाना सबसे इकोनॉमिकली वायबल है। तो इसके चलते डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परिकल्पना की गई। तो अगर बात करें तो ये देश का एक तरीके से सबसे महंगा प्रोजेक्ट है जिसपे लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास खर्च किए जाने हैं, और ये दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिफाइड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके इंजन्स एक तरीके से अभी तक हमारे देश में इस लेवल के बनते नहीं थे,
12,000 हॉर्स पावर के, और उसी के लिए हमने दो कंपनीज को इनका ठेका दिया, एक है एलस्टॉम और दूसरा है हमारा जी जनरल इलेक्ट्रिक। तो ये दोनों ही हमारे फैक्ट्रीज़ भारत में ही लगी हैं, और बिहार के मधेपुरा में एलस्टॉम की फैक्ट्री है जो कि इंजन्स का निर्माण करेंगी। लगभग 100 इंजन का ऑलरेडी ठेका दिया जा चुका है। जी हमारे डीजल इंजन 12,000 हॉर्स पावर के निर्माण करेगी, और एलस्टॉम जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन्स। तो ये तो रही हमारी बात पूरे इसकी, मैंने आपको इसका एक तरीके से रोड मैप बताया कि कहाँ से लेकर ये कहाँ तक जाएगा, किन किन फेजेस में डिवाइडेड है, और काफ़ी सारा काम ऑलरेडी अगर खुर्जा के बाद से हम अलीगढ़ कानपुर वाली साइड की बात करें तो वहाँ किया जा चुका है। इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगाए जा चुके हैं जहाँ पे वो ओवरहेड हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई रहेगी, और उसके अलावा हमारा वहाँ से खुर्जा के बाद से ये डबल लाइन है, खुर्जा से एक लिंक दिया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, और दादरी खुर्जा सहित काफ़ी सारे इलाकों में फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ हमारा लॉजिस्टिक्स हब बनेंगे जहाँ पर सामान की एक तरीके से वेयर हाउसिंग होगी, मतलब उन्हें स्टोर किया जा सकता है। कंटेनर्स के वाला सिस्टम पूरे फ्रेट कॉरिडोर पे इम्प्लीमेंट किए जाने की योजना है। और अगर बात करें, हमें कॉम्पीट करना है चाइना से, तो चाइना में आप जैसे कि जानते हैं एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट क्या नंबर वन पे आ चुका है, और चंद ही कुछ सालों में वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। भारत अभी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी ग्रोथ में काफ़ी तेज़ी से आगे निकला है। पिछले 5 सालों में अगर 14 से 19 की बात करें तो 1.7 ट्रिलियन इकोनॉमी थी 2014 में, और 2019 तक हम 2.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। दशक के अंत तक हम आशा कर सकते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी शायद बन जाएं, शायद उससे ज़्यादा भी, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम देश में इस समय चल रहे हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होने की आशा हम कर सकते हैं। अगर फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, जितना प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, तो अगर किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा ये निकल रहा है तो वो है ये उत्तर प्रदेश, जिसमें इस समय हम मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश को ये पूरा एक तरीके से लंबाई में काटता हुआ जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सहारनपुर और जब तक ये बिहार में एंटर नहीं हो जाता। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि काफ़ी सारे शहरों को इसका लाभ पहुंचेगा उत्तर प्रदेश के, क्योंकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी राजस्थान में काफ़ी बड़ा हिस्सा है उसका, और फिर गुजरात महाराष्ट्र, और इसी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हमारा पंजाब हरियाणा, और फिर उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड का मैं श्योर नहीं हूँ, फिर उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल। तो ये देखिए आप हमारा NH 58 पे बन रहा ओवरब्रिज। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था इकोनॉमी के लिहाज से, चाइना से अगर हमें कॉम्पीट करना है तो हमें अपनी लॉजिस्टिक्स रेट्स को काफ़ी कम करना पड़ेगा, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को अगर हम कम कर पाएंगे तो लगभग हम सामान सस्ते में तो बना लेते हैं, पर उनको सप्लाई में हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कई बार इतना कॉम्पीट नहीं कर पाता। तो ये देखिए एक और मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण इन प्रोग्रेस, ये देखिए, और काफ़ी चैलेंजिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि नीचे से NH 58, उसके ऊपर हमारा ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फेज़ 4 का स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर से जाएगा हमारा रैपिड रेल। सो काफ़ी सारे क्लियरेंसेज की ज़रूरत पड़ी होगी, और लगभग इसी जगह लगभग मैंने यहाँ पे आज से 1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो ये सब भराव भी नहीं हुआ हुआ था, और आगे की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी काम ऑलरेडी हो चुका है। लगभग 2022 के अंत तक इस फेज़ 4 का पूरा होने की उम्मीद है, उसके बाद शायद ट्रायल्स चलें। और हाल ही में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो पूरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है,
उस पर भी ट्रायल रन किए गए। डबल डेकर ट्रेन हमारी चलाई गई लगभग, और तेज़ी से उस पर चलने लगी है, मतलब लगातार हमको उसकी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो ये है हमारा एक स्ट्रक्चर। अगर बात करें तो जैसे यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा बूम नो डाउट देने वाला है यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को। और वैसे भी यूपी कई मायनों में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरीके से ऑलरेडी सबसे आगे है, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी सबसे लंबा जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सप्रेसवे की जो सबसे ज़्यादा लेंथ है वो उत्तर प्रदेश में है, और क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और हाल ही में नवनिर्मित हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इन सभी के अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या सबसे ज़्यादा अब उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, जब कुछ एयरपोर्ट्स निर्माण अधीन हैं और उसके अलावा जो वो बन करके तैयार हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में होगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की। गिनाता चलूँ वाराणसी और हमारा लखनऊ, खुशीनगर, हाल ही में घोषित अयोध्या। खुशीनगर और अयोध्या टोटली टूरिज़म पर्पज़ के हिसाब से बनाए गए हैं, क्योंकि खुशीनगर में गौतम बुद्ध की काफ़ी मतलब वहाँ पे मान्यता है। और फिर हमारा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में, जो कि मेरठ डिवीज़न में ही आता है। मेरठ एयरपोर्ट की भी हाल फिलहाल कुछ बातें चलती रहती हैं। बाकी बात करें तो आसपास के सभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, जो भी आसपास के शहर हैं जैसे कि सहारनपुर, बिजनौर, उन जगह भी एडवांस स्टेजेस में काम है, मतलब कहीं पे स्टार्ट होने वाला है, कहीं पे कुछ और। एक्सप्रेसवेज में भी गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी DPR की क्लियरेंस दी जा चुकी है, और चार चरणों में उसका काम किया जाएगा, और उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे ही नए आयाम पे है और आगे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की इकॉनमी की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में इकॉनमी जो है काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है। लगभग 2,00,000 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश का बजट हुआ करता था, और आज के टाइम पे हमारा 5,00,000 करोड़ से भी ठीक ठाक ज़्यादा है। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बाद इकॉनमी गतिविधियों में और तेज़ी आने के चांसेस हैं, नो डाउट। तो अगर ये तो बात करी हमने पहले मतलब देश लेवल पे, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और ख़ास तौर पे मेरठ डिवीज़न की। तो मेरठ डिवीज़न में अगर बात करें हम, वैसे उत्तर प्रदेश का काफ़ी सारा रेवेन्यू हमारा मेरठ डिवीज़न से आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो आता ही है, पर मेरठ डिवीज़न भी उसमें सबसे ऊपर है। नोएडा का उसमें काफ़ी बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश के अगर पर कैपिटा इनकम ज़िले वाइज देखें तो पहले नंबर पे नोएडा है, जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा मेरठ डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम मेरठ डिवीज़न की बात करें तो एक तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गाज़ियाबाद में ऑलरेडी खुल चुका हिंडन एयरपोर्ट, फिर उसके अलावा डोमेस्टिक यूज़ के लिए, और उसके अलावा मेरठ एयरपोर्ट की बातें लगभग उड़ान 3.1 में आ चुका है, पर कुछ खासी दिक्कतें हैं इसकी। काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है मेरठ एयरपोर्ट की, उसको हम किसी दिन और कवर करेंगे। और फिर हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यहाँ से गुजरता हुआ, जिसमें कि मेरठ डिवीज़न में ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी बनेगा। यहीं से एक तरीके से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्गम होगा। तो खुर्जा और दादरी में काफ़ी बड़े और लॉजिस्टिक्स हब्स भी बनने हैं, दोनों ही मेरठ डिवीज़न के अंडर आते हैं। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरुआत होना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, तो आने वाला समय शायद बरसों से उपेक्षित रहा हमारा ये वाला एरिया मेरठ डिवीज़न का खास तौर पे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर डिवीज़न भी अगर हम देख लें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। पहले काफ़ी मांगे उठती थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करो, हरित प्रदेश और ना जाने क्या क्या, बट अब ऐसा लगता है कि हाँ,
अगर ऐसा सौतेला व्यवहार ना किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से काम किया जाए, क्योंकि बाकी सब तो लोग कर ही लेते हैं यहाँ के, तो शायद ऐसी कोई भावना भी कहीं ना रहे। फाइनली ऐसी मतलब थोड़े गर्व की अनुभूति होने लगी है कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश से हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश ने दिन पर दिन नए आयाम छू रहा है, देश की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और हमारा जो एक तरीके से कंपटीशन है वो देश की जो पहली सबसे बड़ी इकोनॉमी है महाराष्ट्र, उससे हम एक तरीके से होड़ लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में देखने वाली चीज़ होगी कि कब तक हम देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाते हैं एक स्वस्थ कंपटीशन रखते हुए। इसी के अलावा एक और एक्सप्रेसवे मेरा डिवीज़न से गुजरेगा, एक तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एनएच ने जो बनाया, एनएचएआई ने, जिसका नेशनल एक्सप्रेसवे संख्या 2 नाम रखा गया है और मेरठ एक्सप्रेसवे नेशनल एक्सप्रेसवे संख्या 3 है। बाकी सभी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पे बहुत अच्छा काम किया। मायावती जी हमारी यमुना एक्सप्रेसवे एक तरीके से बना के गई और जो है अखिलेश जी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर योगी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी जा चुकी है। तो इसके अलावा है हमारा दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, वो एक तरीके से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। जैसे कि पहले कुछ कन्फ्यूजन था कि जो दिल्ली बागपत शामली सहारनपुर वाली रोड है उसी को दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे का हिस्सा वही रहेगी, पर मतलब काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ ये है कि सहारनपुर की कनेक्टिविटी मतलब कितने मैनी फोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक तो मेरठ से प्रॉपर 4 लेन का कनेक्टिविटी है, फिर उधर रुड़की वाली साइड से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी 4 लेन की कर दी गई है छुटमुलपुर होते हुए, और हमारी बागपत शामली वाली रोड को 4 लेन किया जा चुका है, 2 लेन से मतलब किया जा चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेरठ मुजफ्फरनगर के एडिशनल वर्क भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के कगार पे है, और फिर एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन का दिल्ली से सहारनपुर जो मात्र 2.5 घंटे में आपको देहरादून पहुंचा देगा और लगभग 2 घंटे में सहारनपुर। तो ये देखिए आप एक बार और हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं रैपिड रेल का काम तेज़ी से चलता हुआ, और यही रोड हमारी मोदी नगर इस दिशा में जाती हुई और इस दिशा में हमारा मेरठ है। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, मतलब अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने क्षेत्र से में इंटरेस्टेड हैं हमारे डेवलपमेंट कार्यों को देखने के लिए, तो उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चल करके देखते हैं कि सड़क के उस तरफ कितना काम हुआ हुआ है, मतलब हम कार में उसकी वीडियो बनाएंगे और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।